नाउ टेंथ क्लास, आज अपन बात करेंगे पेपर वर्क सेमी फेरम की, यानी ओपीएम जिसे अपन कहते हैं। ओपीएम इज अ ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम कैप्सूल। द लेटेक्स कंटेन्स अबाउट 30 टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड्स, अमंग देम मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमीफेरन और पेपेवेरिन आर मेन। ये कहते हैं ओपियम जो होता है वो हरे ड्राइड सूखी हुई पत्तियों टाइप में होता है। इसमें ओपियम्स के कैप्सूल बनते हैं जिसमें 30 अलग अलग तरीके के एल्कोलाइड्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिसके अंदर जो मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सेमीफेरन और पेपरवाइन है, ये इनके अंदर मेन है। मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन एंड कोडाइन आर यूज टू मेक पेन किलर्स, जैसे इनको दवाई में पेन किलर्स के में बनाने के अंदर काम में लिया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कल्टीवेटेड, इसलिए क्या है थोड़ा सा यूज़ करने के लिए अलाउड है। मैनी पीपल यूज़ ओपियम एंड इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हेरोइन टू गेट द फीलिंग ऑफ पीस। बहुत सारे लोग जो हैं वो ओपियम और इससे रिलेटेड जैसे हेरोइन है उसे पीस यानी शांति रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं। हैप्पीनेस ऑफरिंग ओपियम इज अ कंटेन कस्टम इन द टोटल वेरीज ऑफ ओकेजन ऑफ माउंटेनिंग और हैप्पीनेस। हाँ, मैंने बताया कि खुशी रिसीव करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसको पीने के बाद में उनके दिमाग शांत हो जाएगा और खुश हो जाएंगे। मैनी मदर्स इन रूरल एरियाज गिवन ओपियम टू देयर स्मॉल चिल्ड्रंस फॉर स्लीपिंग। यस, गाँव में बहुत सारी मम्मी मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों को ओपियम देती हैं ताकि बच्चा आसानी से सो जाए। वॉट एवर द रीज़न मे बी, यूज़ ऑफ ओपियम मेक अ पर्सन एडिक्टेड। इनिशियली लेस क्वान्टिटी इज टेकन बट ग्रेजुअली द पर्सन इज फोर्स टू इंक्रीज इट्स क्वान्टिटी। हालाँकि कोई भी रीज़न हो उसको देने का, लेकिन लोग इससे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। और इनिशियली तो बहुत कम क्वान्टिटी में दिया जाता है, लेकिन अगर अपन वैसे देखें तो ये क्या है, धीरे धीरे इसकी क्वान्टिटी अपने आप बॉडी इंक्रीज करने लग जाती है, मानने लग जाती है। मैनी पीपल आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग बॉइल्ड ओपियम ड्राइड कैप्सूल्स। अ पर्सन कंटिन्यूज टू रिमेन सिक बिकॉज ऑफ हिज डिक्रीज इम्यूनिटी पावर। अल्टीमेटली द पर्सन डाइज। अल्टीमेटली डॉक्टर्स एंड एनजीओस कैन हेल्प टू ओवरकम दिस हैबिट। बहुत सारे लोग जब इसके एडिक्ट हो जाते हैं तो इसके जो फ्लावर्स का जो फ्रूट्स आता है, उस फ्रूट को उबाल कर पीना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं इससे बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर को रिड्यूस कर देता है और हम धीरे धीरे इंसान को ख़त्म कर देता है। आजकल बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स और ऐसे एनजीओस हैं जो कि मदद करते हैं इस हैबिट से बाहर निकलने की। अब हम बात करते हैं अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस। अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस में हमारे पास कोकीन, कैनमेबिस, चरस, हेटॉप्स, बेसिस, एएसडी यानी कि लेस्पेरिक एसिड डायरेक्टली, अमाइड, ईटीसी। ये बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट्स हैं जो कि आज की तारीख में ट्रेंड है। यंग पीपल जो है वो धीरे धीरे इनको अलग अलग रीजन से इनको यूज़ करते हैं और फिर इसके हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो अपनी फैमिली से इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जब उन्हें इनको ख़रीदने के लिए पैसा नहीं मिलता है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और धीरे धीरे वो फिज़िकली और मेंटली वीक हो जाते हैं। और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर देखने को हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मिसयूजेस ऑफ मेडिसिन। एक सर्वे में जो कि इंटॉक्सिकेंट्स की डिमांड को लेकर के साउथ एशिया के अंदर किया गया था, ये पाया गया कि 42% लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, 20% लोग ओपियम, 30% लोग हेरोइन, 6% लोग जो कैनाइंस और 18% लोग जो है वो अदर इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ करते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार पीपल जो है वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन जैसे मॉर्फिन, पैथाडाइन, हाइपराइन, प्रोपोक्सिपिन इस तरीके की ये जो इंटॉक्सिकेंट्स है इनका यूज़ करते हैं। स्मोकिंग जो है वो इंक्रीज होती है पंजाब, राजस्थान, यूपी और गुजरात के अंदर। ट्रेडिशनल कंजप्शन इनका रहा है, उस ट्रेडिशनल कंसेप्शन में जैसे ओपियम जो है वो लोग आज भी यूज़ करते हैं। जहाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे हेरोइन के इंजेक्शंस लोग लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो नॉन ट्रेडिशनल सब्सटेंसेस जैसे एसीटोन, पेट्रोल इन तरीके के इंटॉक्सिकेंट्स को यूज़ करते हैं। यस, पेट्रोल भी जो है अपने इंटॉक्सिकेंट्स में आते हैं। कई लोगों को पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, वो धीरे धीरे उसको ग्रैब करने लगते हैं।
चिल्ड्रंस जो धीरे धीरे ग्रो करते हैं अपने अपने स्ट्रीट्स में, इजीली इन सब चीज़ों के एडिक्टेड हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल है तो वो उन्हें क्या करने लगते हैं, इनहेल करने लगते हैं, जैसे गन्स के थ्रू, फ्लूट्स के थ्रू, कोई स्प्रे के रूप में, पेंट के रूप में, पॉलिश, रबर, सीमेंट, ड्राइड इरेजर, मार्कर, गैसोलाइन, इन ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए कॉमन यूज़ में आती है और हम इन्हें कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन लोग जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे इनके एडिक्टेड हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए अपने हमें लोगों को ज़िंदगी के सच से अवेयर कराना चाहिए और उनकी जो भूख है इंटॉक्सिकेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस को जो है वो उनके जो ड्रीम्स हैं, लंग्स, ट्राइंग टू बी अन अवेयर ऑफ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ एंड देयर हंगर, यस हमें उन्हें, जो लोग जो है वो अन अवेयर हो जाते हैं, बच्चे जो है वो अन अवेयर हो जाते हैं, होते हैं इन सब चीज़ों से और वो धीरे धीरे इनके आदि हो जाते हैं। और ये जो इंटॉक्सिकेंट्स है वो बच्चों के सपनों को डरावने सपने, लंग्स में स्वेलिंग आना, किडनी फेल होना, मेंटल इलनेस, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर अराइज होती रहती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को इन सब के बारे में अवेयर करें ताकि हम बच्चों को इन सब चीज़ों से बचा सकें। चलिए अब आज का क्वेश्चन अपन लिखते हैं, व्हाट आर इंटॉक्सिकेंट्स, व्हाट इज़ द प्रॉपर रिपोर्ट ऑफ सर्वे held in South Asia, third what are the harmful effects of intoxicants in the humans, and then what are opium, write a short note on opium, this is your last question, ठीक है, इसके थ्रू आपको ये होमवर्क कंप्लीट करके देना है।